हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे ऐसा नाश्ता जिसे आप चाय के साथ खा सकते हैं, या फिर आप कहीं ट्रैवल में जा रहे हैं तो इसे आराम से लेके जा सकते हैं। एकदम आसानी से बन जाता है और ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देर किस बात की, चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 उबले हुए आलू, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम लेंगे इसमें 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। अब इसमें हम लेंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। नमक हम लेंगे अपने स्वाद अनुसार। उसके बाद इसमें हम लेंगे 1/2 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल, जो नाश्ते को क्रंचीपन देगा खाने में। अब इसमें हम लेंगे थोड़े से फ्रेश धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई। अब हम लेंगे इसमें 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला। अगर चाट मसाला ना हो तो आमचूर पाउडर आप ले सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने आलू के मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे, जिससे नाश्ता और भी खाने में टेस्टी लगेगा। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ। सौंफ से नाश्ता खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इन सबको हम अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेंगे, जिससे कि आलू को बाइंडिंग मिल जाती है कॉर्नफ्लावर डालने से। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे करते हैं साइड। अब हम लेंगे एक बाउल, उसमें हम ले लेंगे 1 कप गेहूँ का आटा। अब इसमें हम लेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक, थोड़ा सा हम इसमें लेंगे कलौंजी, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे, जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं उसी तरीके से। ये देखिए, हमारा आटे का डो भी लग चुका है। अब इसे करते हैं साइड। उसमें से हम एक पेड़ा कट कर लेंगे और उस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके उसे हम बेल लेंगे। हम इस रोटी को नॉर्मल रोटी से थोड़ा बड़ा ही बेलेंगे। ये देखिए, मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा ही बेल लिया है और इसे हल्का सा हम मोटा रखेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे। अब इस पर हम आलू का मिश्रण लगा देंगे, जो हमने बना करके रखा है। अब इस आलू के मिश्रण को हम चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है। अब हम एक और रोटी लेंगे, जिसे हमने बेल करके रखा था, उसे हम इस तरीके से इस पे चिपका देंगे और साइड साइड से प्रेस करते हुए हम इसे बंद कर देंगे, जिससे कि आलू का मिश्रण बाहर ना निकले। और ऊपर से हल्का हल्का इसे हम प्रेस कर देंगे। अब उसके बाद हम एक चाकू लेंगे, चाकू की मदद से इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। अब इसे हम दूसरी साइड से भी इस तरीके से कट करेंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है। अब इसमें से एक नाश्ता उठा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी फ्राई कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर डालने की वजह से आलू का मिश्रण इसमें से बाहर नहीं निकलेगा। या फिर इसे इस तरीके से चिपकाते हुए डिज़ाइन दे करके भी बना सकते हैं, जिससे कि ये दिखने में और भी सुंदर लगेगा और जो खाएगा वो देखते रह जाएगा। इतना सुंदर डिज़ाइन बन करके तैयार होता है। मैं आपको एक और बना करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब इसमें से एक पीस हम हाथों में ले लेंगे और जो इसका कोना है, 2 कोनों को एक साथ इस तरीके से चिपका देंगे और दूसरे साइड के कोने को हम ऊपर की तरफ इस तरीके से चिपका देंगे। ये देखिए, हमारा एकदम सिंपल सा डिज़ाइन बन करके भी रेडी हो गया है। और इसी तरीके से हम बचे हुए बाकी के सारे नाश्ते को फटाफट से बना करके तैयार कर लेंगे। ये दिखने में भी सुंदर है, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसके बाद हम एक पैन लेंगे, पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए
तो हम एक एक करके नाश्तों को इसमें डाल देंगे। ये देखिए इसमें जितना नाश्ता आया हम मैंने उतना इसमें डाल दिया है, और इसे मीडियम फ्लेम पे हम पकने देंगे 2-3 मिनट तक। 2-3 मिनट बाद इसे हम अलटते पलटते हुए इस तरीके से चला लेंगे, और इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे इसलिए पकने देंगे जिससे कि ये नाश्ता खस्ता बनेगा और खाने में टेस्टी लगेगा। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये ऊपर से पक जाएगा पर अंदर से अच्छे से नहीं पक पाएगा, इसीलिए इसे हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। ये देखिए हमारे सारे नाश्ते बन करके रेडी हो चुके हैं, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसके बाद इसे हम फटाफट से सर्व कर देंगे। सर्व करने के बाद अगर ये नाश्ता बच जाता है खाने में तो आप इसे रख सकते हैं ताकि आप इसे दूसरे तीसरे दिन भी आराम से खा सकें। ये इतना टेस्टी नाश्ता है कि आप इसे ट्रैवल में भी लेके जा सकते हैं या फिर शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।